जामनगर के पाटन सावंगी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाटन सावंगी के एक खदान में गुरुवार की रात प्रकाश राठौर नामक कर्मचारी की मौत हो गई, जिसे पूरे कर्मचारियों में रोष है और प्रशासन और ठेकेदारों पर आरोप लगा रहे हैं। सावनेर के पाटन सावंगी स्थित एक खदान में गुरुवार की रात प्रकाश सिंह राठौर नामक कर्मचारी की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। कर्मचारी की मौत से सभी कर्मचारियों में रोष निर्माण हुआ है। कर्मचारी और परिवार का कहना है कि ठेकेदार या प्रशासन ने मृतक कर्मचारी को मुआवजा देना चाहिए। इस मांग को कर्मचारियों ने इशारा भी दिया है कि जब तक प्रशासन या ठेकेदार की ओर से लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। हमारे प्रतिनिधि ने मृतक के भाई से बात की तो उन्होंने बताया कि ठेकेदार या प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी चर्चा नहीं की गई है, साथ ही कोई अधिकारी मिलने भी नहीं आए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ठेकेदार को बचाने का काम कर रही है। मेरा नाम सुभाष राठौड़ है। कल रात को जो मेरा भाई है प्रकाश चंद दीपचंद राठौड़, जिसकी उम्र 43 ईयर्स है, तो कल काम करने के दौरान अंदर में माइंस के अंदर में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम पिछले दो दिन से और आज तो सुबह से जब से हमारी डेड बॉडी आई है तब से हमको कोई भी कोऑपरेशन नहीं है, ना प्रशासन की तरफ से ना ठेकेदार की तरफ से। ठेकेदार का अभी तक तो ऐसा अमानवीय व्यवहार अभी दिख रहा है कि वो अभी तक डेड बॉडी को देखने के लिए भी नहीं आया। तो उसके तरफ से क्या है कि जितनी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे कांटेक्ट करें, लेकिन वो मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा है। प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन का कहना है कि वो बस गोल गोल घुमा फिरा के हमको कोई भी आश्वासन नहीं दे रहा है, ना लिख के देना चाहता है, ना कुछ करना चाहता है, और उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये तो हमारे इससे कहीं से कहीं तक कुछ होगा ही नहीं। चलिए, आज मैं चला जाऊँगा, लेकिन मेरे भाई के जो दो बच्चे हैं, उनकी बीवी है, आज उनके पीछे मेरे जो माँ बाप हैं, उनका क्या होगा? ऐसा है कि ये WCL मैनेजमेंट जो है ये पूरे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर पे है। ये कॉन्ट्रैक्टर आज से नहीं तो कई वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और सिर्फ कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। एज पर रूल के हिसाब से उन्हें जो पेमेंट मिलना चाहिए वो भी पेमेंट उनको पूरी तरह से नहीं दिया जाता है। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन चला। पेमेंट बैंक में डालता है तो आधा पेमेंट ले लेता है, ना तो PF भरता है, ना तो कोई इनका ग्रुप इंश्योरेंस है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं, मैनेजमेंट और ठेकेदार में इनकी साठगांठ है और जैसा ठेकेदार बोलेगा वैसा मैनेजमेंट सुनेगी। लेकिन अभी ये जो हादसा पहला नहीं है, इसके पहले भी एक हादसा हो चुका है, उसको भी कोई कॉम्पनसेशन अभी तक मिला नहीं है। जब तक इसको कॉम्पनसेशन मिलेगा नहीं, जब तक ये डिक्लेयर करेंगे नहीं, ये बॉडी यहीं रहेगी, यहाँ से बॉडी हिलेगी नहीं। ये पूरा मामला बड़ा ही गर्माया हुआ है। एक और जहां प्रबंधन अपने अड़ियल रवैये पर है, वही खदान के कर्मचारियों में भी रोष व्याप्त है। तो आखिर ये मसला पूरा क्या है, आइए जानते हैं पाटन सावंगी से हमारे संवाददाता किशोर ढुंडले से। किशोर जी, पाटन सावंगी खदान में जो मामला हुआ है वो आखिर क्या है? एक कामगार की मृत्यु हुई है, कहीं ना कहीं रोष व्याप्त है, इससे क्या है ये पूरा माजरा? जी सही है, कल 4 से 12 का जो एक पाली होती है जिसे सेकंड शिफ्ट कहा जाता है, उस शिफ्ट के अंदर में प्रकाश सिंह राठौड़ उम्र 43 पाटन सावंगी निवासी कामगार ठेकेदारी में काम करने के लिए अपने खदान में उतरता है। खदान में उतरने के बाद रात 9 से 9:30 के बीच वो 13 नंबर बेल्ट का जो केबल रहता है, 13 नंबर के बेल्ट पे वो काम कर रहा था, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद अंदर में अंडरग्राउंड में वो खबर जाती है कि इसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके मृत शरीर को वहां से उठा के बाहर लाया जाता है। बाहर लाने के बाद उसे WCL के वलनी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहां खाना पूर्ति करने के बाद उसे उसके शव को मेडिकल मेयो नागपुर में शव विच्छेदन हेतु भेजा जाता है। उसके बाद जब ये घटना हुई तो घटना का पूरी जानकारी प्रबंधन को देने के बाद प्रबंधन ने ठेकेदार से बात किया, ठेकेदार को बुलाया तो ठेकेदार रात से नहीं आया। अच्छा, तो सुबेरे फिर जब वो लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद में लाश को परिजन और कामगार सीधे एम्बुलेंस को लेके पाटन सावंगी खदान के मैनेजर के ऑफिस में पहुंचे, सबेरिया ऑफिस, और वहां उन्होंने धरना देकर मृतक को तुरंत मुआवजा दिलाने की मांग की। okay. जिसके कारण यह मामला बिगड़ते गया। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अभी प्रबंधन की ओर से किस तरीके से कार्य किया, मतलब क्या भूमिका उनकी ओर से अपनाई जा रही है, इसके बारे में जानना चाहती हूँ आपसे।
कामगार और कामगारों की जो संगठनाएं हैं, ये संगठनाओं से और प्रबंधन, जो पाटन सावंगी कोल का जो प्रबंधन है, उनके साथ में दिन भर बातचीत चलती रही। कहीं ना कहीं ऐसा, मैं जब मौका है वारदात पे था, लगभग 4 घंटे हम वहाँ खड़े रहे, तो हमने देखा कि वह WCL प्रबंधन कॉपरेट करने की भूमिका में नहीं था। कहीं ना कहीं वो ठेकेदार बमन हुरडे करके है, BR हुरडे कंस्ट्रक्शन के नाम से उनका ये ठेका है, जिसको वो बचाने की इसमें थे। पहले तो कामगारों की मांग, ये परिजनों की मांग थी कि उन्हें 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, लेकिन कहीं तो भी एक बीच की बात निकाल के कामगार संगठनों से और WCL मैनेजमेंट से, स्थानिक मैनेजमेंट से बात करने के बाद में 5 लाख के ऊपर में बात बनती हुई दिखाई दी। लेकिन ठेकेदार मैनेजर का भी फोन उठाने को तैयार नहीं, या वो जो सबेरिया मैनेजर है उससे भी बात करने को वो तैयार नहीं था। किशोर जी, कहीं ना कहीं इसकी वजह से जिस तरीके से प्रबंधन बात नहीं मान रहा है कामगारों की, तो कहीं ना कहीं कामगारों में रोष व्याप्त है इस चीज को लेकर, तो कामगारों की भूमिका अभी किस तरीके से है, उनका क्या कहना है? कामगारों का कहना यह है कि जब तक उनको मुआवजा नहीं मिलता तब तक के वो उस लाश का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, ऐसा परिजनों का और कामगारों का कहना है। साथ में कामगार संगठन जो है, जिसके अंदर में एक सेफ्टी बोर्ड के सदस्य भी है वहाँ पे, जितेंद्र सिंह और बाकी भी जो लोग हैं, उनका कहना ये है कि वो उसे कम से कम एक अग्रिम मुआवजे के तौर पे कुछ देकर और आगे में भविष्य में उसे क्या दिया जाए, इसके ऊपर में भी चर्चा जारी थी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ नहीं, इसके बाद में अभी 5:30 बजे के लगभग वो ठेकेदार ने शायद 3 लाख रुपए का चेक मृतक के नाम से दिया है, और परिजन और कामगार संगठनों को विश्वास में लेकर शायद अभी कुछ आधे घंटे में मृतक का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा, ऐसे विश्वस्त सूत्र है। ओके ओके।